सो फाइनली दोस्तों मोटरोला G24 पावर स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और हमारे सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन प्राइस डिटेल्स सब कुछ निकल के आ चुकी है। उसी के साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्नोनिस यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मोटरो G24 पावर का फर्स्ट लुक। पीछे की तरफ देखते तो यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मोटरोला की हल्की फुल्की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैक पैनल आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैट फिनिश देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद पंच होल कटआउट। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले एंड साइज की। दोस्तों तो 6.58 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि बताई जा रही है यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो भी कंफर्म नहीं, लेकिन बताया जा रहा है 60Hz टू 90Hz की रिफ्रेश रेट बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 90Hz रिफ्रेश रेट तो एटलीस्ट मिलनी ही चाहिए स्मार्टफोन के साथ में। साथ ही बात करें पीक ब्राइटनेस की, दोस्तों अभी उसका कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप HD कंटेंट्स को अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे। क्वालिटी यहाँ पर आपको क्रिस्पी मिलेगी, शार्प मिलेगी, क्लैरिटी आपको काफी अच्छी मिलेगी, कलर एक्यूरेसी मिलेगी, तो डिस्प्ले से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के सबसे बड़े हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि है इसका प्रोसेसर। तो बताया जा रहा है यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 4G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है वो 4G होने वाला है और यहाँ पर आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप दोनों ही सिम कार्ड के अंदर इजिली 4G को यूज कर पाएंगे। रैम और स्टोरेज की बात की जाए दोस्तों मोटरोला G24 पावर के अंदर, तो यहाँ पर आपको बेसिक वेरियंट 8 128GB मिलेगा, साथ ही में 8 256GB वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर आपको माइक्रोएसडी कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा कंपार्टमेंट की। दोस्तों तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्वाड टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है मोटरोला की तरफ से। साथ ही में जो दूसरा कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा और साइड में वहीं आपको सिंगल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। वहीं बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 4G का सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलेगा, NFC सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियो भी देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन के अंदर। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के सेंसर्स एंड सिक्योरिटी की। दोस्तों तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉकिंग ऑप्शन और साथ में पैटर्न लॉक ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोटरोला G24 पावर स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की बात की है दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 6000 mAh की फुल बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर जो डिवाइस है वो कम से कम 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जो कि एक टर्बो पावर के नाम से आएगा। दोस्तों ये भी लीक्स निकल के आ रही है, इसके अंदर आपको IP52 की रेटिंग भी देखने को मिल सकती है, जो कि एक अच्छी बात है 4G स्मार्टफोन के लिए। ओवरऑल ये सारी चीजें थी मोटरोला G24 पावर स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट और प्राइस की। तो फ्लिपकार्ट पे 30 जनवरी को ये लॉन्च हो रहा है दोस्तों, यानी कि 2024 में। वहीं बात कीजिए इसकी प्राइस की, तो बेसिक वेरिएंट जो है दोस्तों इसका 8 128GB, वो तकरीबन आपको 8999 की प्राइस के करीब देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें दूसरे वेरिएंट की, उसकी प्राइस भी आपको लगभग 10,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको कुछ बैंक ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल ये सारी चीजें थी मोटरोला G24 पावर 4G स्मार्टफोन के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और आपके हिसाब से किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए वो भी जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।